स्टार प्लस के सीरियल कुल्फी कुमार बाजेवाला में बढ़ गई है सिकंदर, कुल्फी और अमायरा की मुश्किल, क्योंकि अब अमायरा और कुल्फी को जोड़ी बनकर साथ में गाना गाना है और उस पर भी प्रोड्यूसर मियां ने आकर रख दी है एक शर्त कि कुल्फी और अमायरा को उसके दिए हुए गानों पर ही गाना गाना है। यानी अब अमायरा करेगी रैप और कुल्फी गाएगी क्लासिकल सॉन्ग। भाई ये मुकाबला बहुत ही कड़ा होने वाला है। सिचुएशन ऐसी है कि नेक्स्ट राउंड जो है इस कंपटीशन में वो जोड़ी राउंड है और जोड़ी राउंड में कुल्फी और अमायरा दोनों को साथ में गाना है। तो अभी सिचुएशन ऐसी है, एक बच्ची कह रही है, अमायरा कह रही है कि मुझे रैप करना है, इसको क्लासिकल गाना है, तो और मैं जो है कुल्फी मुझे मिली है अभी इसी दिन, आज ही मिली है। के सीरियल गठबंधन में रघु और गुंडों के बीच हो गई है झड़प। इसी बात को लेकर रघु और गुंडों में छिड़ गई है जंग। रघु और गुंडों के बीच फाइट हो ही रही होती है कि तभी वहां डॉन धनक पहुंच जाती है और बंदूक की नोक पर गुंडों को डराकर वहां से भगा देती है। बस मैं भाई देखने आई थी कि ये क्या कर रहे हैं और मैं आके देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि गुंडे हैं और मार पिटाई हो रही है, उन्होंने इनको मारा है और ये फिर मुझे देखते हैं, ही इज लाइक कितना मारा है। सोनी टीवी के सीरियल पटियाला बेब्स ने पूरे कर लिए हैं 100 एपिसोड्स और इसी खुशी में सेट पर पूरी टीम मिलकर केक काट रही है और एक दूसरे का मुंह मीठा करके खुशियां मना रही है। We are super excited और ऐसे ही लगता है कि ये 100 है और ऐसे देखते देखते 1000 हो गए। Oh yes, 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 yes. कलर्स के सीरियल झांसी की रानी में आज शक के दायरे में है मनु। असल में रोश को मनु पर शक है कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें मनु का ही हाथ है, इसीलिए जांच पड़ताल करने के लिए वो वेद जी को बुलाते हैं जो हाथ पकड़कर सच का पता लगाते हैं। उसी दौरान मनु का सच भी उन्हें पता चल जाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट किसी और ने नहीं बल्कि मनु ने ही कराया था, लेकिन भरी दरबार में वो मनु को बेगुनाह साबित कर देते हैं और ये सुनकर खुद मनु भी हैरान है। वो सपोर्ट करते हैं और क्योंकि उन्हें पता है कि अंग्रेज राज कर रहे हैं हमारे ऊपर और आखिर सब इंडियंस तो वही चाहेंगे कि ये सब चले जाए यहाँ से, और कोई कोई लोग ही है जो हिम्मत वाले होते हैं जो एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। जी टीवी के सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में घर वालों के सामने आ गई है एजे की सच्चाई कि एजे की याददाश्त नहीं गई थी। असल में दुर्गा को अपने भाई रॉकी के खतरनाक इरादों के बारे में पता चल गया है। अंगद को भड़काने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉकी ही है और अब रॉकी का सच सबके सामने ना आए इसीलिए उसने उस पर वार करके कर लिया है अंगद का किडनैप और ये बात दुर्गा को पता चल गई है और उसे डर है कि कहीं रॉकी अंगद को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए वो पहुंच जाती है एजे और सभी घर वालों के सामने और बता देती है रॉकी की सारी सच्चाई कि एजे पर जानलेवा हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉकी ही था। ये बात जानकर एजे को गुस्सा आ जाता है और वो पहुंच जाता है रॉकी से अपना बदला लेने। तो वहीं दूसरी तरफ गुड्डन भी दुर्गा बहू का साथ देते हुए नजर आ रही है। वैसे गुड्डन और एजे इस बात से अनजान है कि इन सब कारनामों के पीछे कोई और नहीं बल्कि दुर्गा बहू का ही हाथ है। दुर्गा बहुत स्मार्ट है तो वो पहले से ही उसने रॉकी को भी फंसा दिया है ताकि रॉकी अगर बाद में आके बोल देता है कि दुर्गा ने किया था तो वो हमें समझ में लगेगा कि अच्छा दुर्गा ने बताया था कि रॉकी झूठ बोलता है, तो वो शायद अपनी बहन को फंसाना चाहता है, तो उसने बहुत सही गेम खेला एक्चुअली।